ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब आप देखिए कि आप यहाँ कोई कमजोर नहीं, बहुत सारी बहनें सोच रही होंगी, भाई सोच रही होंगे, अरे नहीं हमारे जीवन में तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो ये बीमारी है, इस बीमारी ने तो हमें बहुत कमजोर बना दिया। आज आपको एक अद्भुत सत्य बता दूं कि हम शरीर से कम और मन से ज्यादा बीमार होते हैं, और जिस दिन हम मन से बीमार हो जाते हैं उस दिन दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर सकता। आज यदि आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है तो सोच बदल दीजिए। शरीर से भले ही बीमार हो लेकिन मन से बीमार ना होना, मन से मुस्कुराना और शुभ शुभ सोचना, शुभ शुभ बोलना। अब आप कहोगे बहन जी शुभ शुभ सोचना, शुभ शुभ बोलना, पेट में भयंकर दर्द है, बताऊंगी तो सही ना कि पेट में दर्द है, डॉक्टर को भी घर वालों को भी, अब शुभ शुभ कहां सोचूं जब दर्द है, तो कैसे अपनी बात रखनी है देखिए। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, भाई जी कह रहे थे कि हमारे वाइब्रेशन, हमारी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, और ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव भी है। अगर हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में मिल जाती है, और चुंबक की तरह बहुगुणा रूप में नेगेटिव एनर्जी को खींच कर हमारे पास ले आती है। हमारा आभामंडल, हमारा ओरा बिल्कुल नकारात्मक होता जाता है, और दिनों दिन स्थिति सिचुएशन खराब, गड़बड़, अशुभ होती जाती है। और यदि हमारी सोच पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एनर्जी भी ब्रह्मांड में पहुंचती है, ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींचकर मेरे पास लाती है, और मेरे बिगड़े काम बनाती है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। ये मेरे मन की ताकत है, ये मेरे मन की ताकत है। तो अगर आपको बताना भी है पेट में दर्द है तो रोकर बेचारा बनकर, लाचार बनकर नहीं, हाँ मेरे पेट में दर्द है पर मुझे पूरा विश्वास है ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मैंने अपनी बात नहीं कह दी और ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी भी छोड़ दी। जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर हैरान हो जाए, सोच में पड़ जाए कि ये पेशेंट आया है क्या, मुस्कुराते हुए जाना उसके पास और उससे कहना डॉक्टर साहब अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूं और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारी पहली गोली से ही मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी ऐसे जाएगी, ऐसे जो एक साल से घर करे पड़ी है ना वो ऐसे निकलेगी, पहली ही गोली आपके अंदर काम करना शुरू कर देगी। ये आपके विचार की ताकत है, शक्ति अजमा के देखिए और चमत्कार देखिए।